यूपी में एक और ट्रेन उड़ाने की साजिश, ट्रैक पर सिलेंडर और झोले में बारूद बरामद हुआ, पासी में मिला चौंकाने वाला सामान। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अनवरगंज कासगंज रूट पर कानपुर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस 14117 ट्रेन रात को पलटने से बच गई। ट्रैक पर भरा हुआ सिलेंडर रखने की वजह से ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश रची जा रही थी। बराजपुर और बिलौर के बीच में 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही ट्रेन जब सिलेंडर से टकराई तब बहुत ही तेज आवाज हुई और इसी के बाद में लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। रेलवे और आरपीएफ के अधिकारियों को घटनास्थल पर सिलेंडर के अलावा कांच की बोतल लगी मिली, माचिस और एक संदिग्ध झोला भी मिला। झोले में कुछ बारूद जैसी सामग्री थी, वहीं पर बोतल में संदिग्ध लिक्विड बरामद हुआ है। देर रात मौके पर एसटीएस और एसटीएफ भी पहुंच गई। घटना की जांच शुरू कर दी गई। अनवरगंज रावतपुर स्टेशन से होकर गुजरी कालिंदी एक्सप्रेस ने रात को बराजपुर स्टेशन के आगे जैसे ही क्रॉस किया तो पायलट को इंजन से किसी चीज के टकराने की आवाज सुनाई दी। तुरंत ही यहां पर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गार्ड को सूचना दे दी जाती है। लेकिन उसी के बाद क्या था, जब पुलिस वहां पर पहुंची तो मौके पर एक भरा हुआ सिलेंडर मिला, वहीं पर पास में झाड़ियों में मौजूद और एक बोतल में लिक्विड भरा हुआ था। लेकिन जब ट्रेन यहां पर गैस सिलेंडर से टकराई तो उस घटना की वजह से करीब 22 मिनट तक ट्रेन को वहीं पर रोकना पड़ा। सारी चीजें पुलिस चेक करती है और उसी के बाद में ट्रेन को रवाना कर दिया जाता है। लेकिन देर रात यहां पर ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश आखिर कौन कर रहा था, और हाल ही में भारत के अंदर लगातार भारतीय रेलवे को यहां पर टारगेट क्यों किया जा रहा है, इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस ने यहां पर एफआईआर रिपोर्ट करके जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिरकार ये सामान यहां तक पहुंचा कैसे, क्योंकि सिलेंडर पूरी तरीके से फटा हुआ था। अगर यहां पर सिलेंडर पटरी पर रखा हुआ अगर ट्रेन से टकरा जाता तो उसके बाद में ट्रेन डीरेल होना पक्की थी, यानी कि ट्रेन के इंजन के साथ ही कई सारे डिब्बे पटरी से तो उतर जाते, लेकिन धमाके से ट्रेन में आग भी लग सकती थी। आपको क्या लगता है कि भारत में अचानक से भारतीय रेलवे को क्यों टारगेट किया जा रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।